हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग बात करेंगे पांच फोन के बारे में जो दोस्तों आपको 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा। सही फोन में आपको परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले और कैमरा अच्छा देखने को मिलने वाला है। एक में तो आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 108 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिलेगा, 5,000 का बैटरी आपको सही फोन में देखने को मिल जाएगा, साथ ही आपको 67 वाट तक का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाला है। तो एक अच्छा फोन आपको देखने को मिलने वाला है आज के लिस्ट में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल में पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। OnePlus Nord CE2 Lite 5G जो दोस्तों आपको OnePlus की तरफ से पहला ऐसा फोन देखने को मिलता है जो कि आपको 20,000 के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपको OnePlus का फोन लेना है तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको 6 5G बैंड को सपोर्ट करता है, सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिल जाएगा, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, प्लास्टिक बैक और प्लास्टिक फ्रेम के साथ आपको ये फोन देखने को मिलने वाला है। साथ ही बात करते हैं इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, IPS LCD पैनल रहने वाला है। इसमें आपको 240Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाएगा। साथ दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलता है, एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है गेमिंग वगैरह के लिए, साथ ही 64 MP का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है और इसमें आपको 3 कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा, 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। तो कैमरा आउटपुट आपको डिसेंट लेवल का इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ ही बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों आपको बैटरी 5000mAh की देखने को मिल जाती है और 33W का आपको सुपर बुक देखने को मिलता है। तो एक अच्छा बैटरी फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 12 आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन OS आपको देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी आपको डिफरेंट लेवल का हो जाएगा। तो एक अच्छा फोन है दोस्तों जिसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलता है। तो आप OnePlus का एक फोन लेना चाहते हैं इसके साथ जा सकते हैं, और इसी का अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो Realme 9 Pro को ले सकते हैं जो कि दोस्तों OnePlus इसी का रिब्रांडिंग करके बेच रहा है। Realme 9 SE 5G जो दोस्तों आपको 20,000 का है, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। अगर आप दोस्तों 8GB रैम वाला वेरियंट लेना चाहते हैं इस फोन का तो मत लीजिएगा, क्योंकि 20,000 के ऊपर चला जाएगा और आपको ओवर प्राइस लगेगा। इस फोन में दोस्तों आपको एक दमदार प्रोसेसर देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिलता है जो कि दोस्तों आपको एक गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, 600 निट्स का पिक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो इंडोर आउटडोर आप बढ़िया यूज़ कर पाएंगे, कंटेंट वगैरह वॉच करने में आपको कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 3 कैमरा आपको इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों, 48 MP का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है। इस फोन में दोस्तों आपको सेल्फी के लिए 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 30 FPS और फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा। साथ ही बैटरी के बारे में बात करते हैं तो 5000mAh की बड़ी सी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है और 30W का डॉट चार्जिंग देखने को मिलता है, USB टाइप सी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में तो एंड्रॉइड 11 देखने को मिलता है, Realme UI देखने को मिल जाएगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया हो जाएगा लेकिन आपको ब्लर सर का पंगा थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके अदर फीचर्स के बारे में तो सिंगल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, 5 5G बैंड को सपोर्ट करता है और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर भी दोस्तों ओवरऑल बोले तो एक अच्छा फोन है गेमिंग वगैरह के लिए। अगर आप एक गेमिंग फोन लेना चाहते हैं 20,000 के अंदर तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, पोको X4 Pro 5G जो दोस्तों आपको एक अच्छा फोन देखने को मिलता है 20,000 के सेगमेंट में, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें आपको 7 5G बैंड देखने को मिलता है। इसमें दोस्तों आपको साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और इसमें आपको हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलता है, डुअल स्पीकर के साथ आपको ये फोन देखने को मिलता है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट करता है। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके मेन स्पेक्स के बारे में तो दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलता है जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है, गेमिंग वगैरह आप बढ़िया करवा देगा। साथ ही डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, ब्राइटनेस वगैरह आपको बढ़िया इस फोन में देखने को मिलता है और इसमें आपको 3 कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिलता है, 64 MP का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है। सेल्फी के लिए इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। साथ ही 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, 67W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है और एंड्रॉइड 11 और MIUI देखने को मिलता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो जाएगा। गेमिंग वगैरह भी अच्छा खासा होने वाला है इस फोन में। तो आप एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं AMOLED डिस्प्ले के साथ तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं दोस्तों, 20,000 के अंदर एक अच्छा फोन रहने वाला है ये भी। अगर आपको ये फोन पसंद नहीं आया तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में। दोस्तों हम लोग तो बात कर रहे हैं 5G फोन के बारे में तो क्यों ना हम लोग Infinix Zero 5G के बारे में भी बात कर लें। 18,000 के अंदर आपको ये फोन देखने को मिलता है, 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसमें आपको MediaTek Dimensity 900 देखने को मिलता है जो दोस्तों आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला IPS LCD पैनल देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले भी आपको डिसेंट लेवल का देखने को मिल जाएगा। कैमरा के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 3 कैमरा देखने को मिलेगा, 48MP का प्राइमरी कैमरा रहने वाला है और साथ में 13MP और 2MP का कैमरा देखने को मिलेगा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके देगा आपको 30 FPS पर। साथ में सेल्फी के लिए 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है इस फोन में
और इसमें दोस्तों आपको बैटरी के बारे में बात कर ले तो इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाएगी। 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 ही आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। साथ में आपको 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है ये फोन। साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ। तो एक अच्छा फोन दोस्तों देखने को मिलता है इन्फिनिक्स की तरफ से। अगर आप एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं जो कि दोस्तों आपको अच्छा खासा 5G बैंड दे तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G, जो दोस्तों आपको एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ देखने को मिलता है। 20,000 के अंदर आपको एक अच्छा फोन देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों आपको पोको X4 प्रो के साथ मिलता जुलता इसका स्पेक्स है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 108 MP का कैमरा देखने को मिलता है और उसमें देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलता है, तो परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही 120Hz का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है इस फोन में। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन के साथ देखने को मिलता है। 5000 mAh की बड़ी सी बैटरी आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी दोस्तों, और साथ ही इसमें आपको 67W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 आपको इस फोन में देखने को मिलेगा और MIUI का सपोर्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत ब्लॉटवेयर और एड्स का पंगा हो सकता है। साथ दोस्तों बात करते हैं इसके अदर एस्पेक्ट्स के बारे में, तो 7 5G बैंड देखने को मिलेगा, डुअल स्पीकर आपको इस फोन में देखने को मिलेगा, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, हाइब्रिड सिम ट्रे के साथ आता है ये फोन। ये भी दोस्तों एक अच्छा फोन रहने वाला है। अगर आप 20,000 के अंदर एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं 5G गेमिंग कैमरा, तो आप इस फोन के साथ भी जा सकते हैं। साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको 5 फोन में से कौन सा फोन ज़्यादा अच्छा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। साथ ही चैनल में पहली बार आए तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को जरूर देखिएगा।